नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद, अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने, जहां पर किसान पिछले 21 दिनों से लगातार दिन रात का धरना लगाए हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग जो है वो उसमें से सबसे बड़ी मांग है जो इनके भूमि अधिग्रहण जो किए गए हैं और जो लगातार अभी भी जारी है, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा, इनके बच्चों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि जब इनसे ज़मीनें ली गई थी तो इनसे एक वादा यह भी किया गया था जो स्थानीय स्तर पर जो उद्योग लगेंगे या फैक्ट्रियाँ लगेंगी उसमें इन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। बल्कि इनका किसानों का आरोप उल्टा हो रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार से बाहर किया जा रहा है या उनको रोजगार दिया ही नहीं जा रहा है। इसी क्रम में आज 15 मई को एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के किसान आसपास के गांव से पहुंचे थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग पहुंचे थे। इस महापंचायत में राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी पहुंचे। उन्होंने अपना समर्थन दिया और किसानों ने ऐलान किया है जो इनका संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती ये संघर्ष ऐसा ही जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन तेज होगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुँचेगा। देखिए किसान नेताओं ने क्या कहा, इनका आंदोलन कैसे चल रहा है, आगे इनके आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पर आज जो हमारे ये किसान भाई आए हैं हमारे ये अपनी ज़मीन को बचाने, हालांकि ज़मीन हमारी कुछ प्राधिकरण ने ले ली है, लेकिन जितनी आबादी एक व्यक्ति की थी उससे 10% आबादी उन्हें बचाने के लिए बोला गया था, 10% से 6% कर दिया। अब उस 6% को भी ख़त्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो 10% उन्होंने जो वादा किया था प्राधिकरण ने हमारी ज़मीन लेने के टाइम में, पहली बात तो बहुत कम कीमत पे कौड़ियों के भाव जो बोलते हैं, कीमत है 50 लाख रुपए गज बीघा के हिसाब से, 50 लाख रुपए बीघा के हिसाब से, लेकिन 7 लाख सर्किल रेट रखा, ठीक है, तो कौड़ियों के भाव ले लिए। और फिर उसी को कुछ टाइम के बाद प्राधिकरण प्लॉटिंग कर रहा है, इमारतें बना रहा है, उसी में किसान को दुगने तिगने रेटों पे फ्लैट लेना पड़ रहा है। ये पहले से ही कहते रहे जब भी जमीन लेंगे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। एनटीपीसी के लिए ली तब भी यही कहा था, ग्रेटर नोएडा के लिए ली, नोएडा के लिए पहले सबसे पहले ली तो हम आपको रोजगार मिलेगा, बहुत विकास होएगा यहाँ के गाँव के लड़कों का, जो रोजी रोटी मिलेगी। और हम लोग उस टाइम आईटीआई नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने अब आईटीआई में बच्चे दाखिले करे और भी इंजीनियर भी बनाए, सिविल इंजीनियर भी बनाए, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये हमारे लोकल आदमी को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, इनके सामने एक समस्या है कि लोकल आदमी जो अपने जो कारखाना अधिनियम है उनके अनुसार यूनियन बनाएगा और तुमको पूरा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए लोकल आदमी को नहीं लेते। लोकल अगर कहीं 10 आदमी भी हैं तो भी यूनियन बन जाती है। अब यूनियन इस गवर्नमेंट ने तो ख़त्म ही कर दी, और किसान की ज़मीन का माहौल ये है कि अब ये बैनामा करने लगे हैं सन 2013-14 से, और जो 2013 में जो राष्ट्रपति के साइन है जो किसानों के लिए कानून बना उसमें जो 4 गुना कहा है कि या तो बाजार रेट हो या सर्किल रेट, अब सर्किल रेट तो इन्होंने बढ़ाना ही बंद कर दिया। गांव में प्राधिकरण ने तानाशाही कर रखी है, जो गांव की पुरानी आबादी उन्हें भी नहीं छोड़ रहा। जब कहते हैं कि भाई इन्हें क्यों तोड़ रहे हो तो अपनी ज़मीन बता दो, जब अमीन बताते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा उसके बाद भी प्राधिकरण तानाशाही कर रहा, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं वहाँ के बाद भी कोई वो नहीं करते, कोई सूचना नहीं देते, जाते हैं तोड़ते हैं, हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं उसके बाद भी प्राधिकरण बाद में जाता हो बिल्डोजर लेकर तोड़ के चला आता, हम घर से बेघर हुए पड़े, प्राधिकरण की इतनी तानाशाही हो रही है। 25 अप्रैल से लगातार रात दिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर किसान बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय किसान सभा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। किसानों की मांग है कि आबादी के जो जितने मसले हैं उनका निस्तारण किया जाए, बैग लीज की जाए, 6% जो भूखंड मिलना था उसको दिया जाए, 4 गुना मुआवजा, इन तमाम बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था, कई सारी मांगों को लेकर के लगातार किसान आंदोलन पर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हठधर्मतापूर्ण रूप अपनाए हुए हैं, किसानों की जायज मांगों पर जो है कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और किसानों ने भी इस बार तय किया है कि जब तक उनका हक नहीं मिलेगा वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से उठ करके नहीं जाएंगे। और लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आज भी बड़ी संख्या में मजदूर किसान महिलाएं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर है, और सरकार के लिए प्राधिकरण के चेतावनी है कि समय रहते हुए किसानों की मांगों को मान लें, नहीं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा और तेज़ होगा। जो नया कानून है उसके हिसाब से 4 गुना मुआवजा देने का, तो जो नई खरीद हो रही है, नई ज़मीन अधिग्रहित हो रही है, तो उसमें इन्होंने हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़ाए हैं पिछले 8 साल में, और ग्राम पंचायतें इसलिए ख़त्म कर दें जिससे कि हम ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा से बाहर आ जाएं और 4 गुना सर्किल रेट का मुआवजा हमें नहीं देना पड़े। तो अगल बगल के जनपद में जहाँ 7,000-8,000 का मुआवजा है,
तो हमारे जनपद में केवल 3500 रुपए का मुआवजा है और जो बाकी फायदे हैं उसमें रोजगार के, डेवलप प्लाट के, उनसे भी हम वंचित हैं। एक हमारा 40 मीटर का फैसला इनके साथ हुआ था भूमिहीनों के लिए, वो भी इन्होंने नहीं दिया। हमारी जमीन जो बची हुई है उसकी लीज होनी चाहिए, यानी कि क्योंकि हमारी जब वो पक्का ही नहीं होगा बची हुई जमीन का, कि निश्चित ही नहीं होगा कि ये पक्का है या नहीं हमारी, है ना। लीज अगर नहीं होगी तो फिर हम उसके संरक्षण कैसे कर सकते, तो उसके संरक्षण के लिए हमारी लीज भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारे आने वाला भविष्य जो है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उन्हें कम से कम ये निश्चित हो जाए कि हमारे पास इतनी जमीन हमारी बची हुई है। कोई रोजगार नहीं दिया गया, जो 75% का कोटा था हम लोगों का वो भी खत्म कर दिया प्राधिकरण, कोई और कोई रोजगार नहीं है यहाँ। जब आबादी हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भाई 10% मुआवजा दिया जाए इन्हें और 64% मुआवजा और 10% प्लॉट दिया जाए, उसके बाद भी 64% तो दे दिया, 10% के लिए हमारे जवाब जमीन नहीं है। कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है, अथॉरिटी इतनी पावरफुल हो गई का कोर्ट की भी अवहेलना करती है, कोर्ट की कोई नहीं मानता। जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो नया सिटी बनाने का प्रोग्राम बनाया था तब ये सारे खेती था, सारे खेती 100%, और किसान के इस ज़मीन को जब अधिग्रहण करने का बात किया सरकार ने, हम तो इसके खिलाफ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान के पास ज़मीन के अलावा कुछ है ही नहीं, ज़मीन ही उसके एकमात्र है, फिर भी जब कोई ज़रूरत के लिए ज़मीन लिया जाएगा, उस कानून है हमारा जो वो ज़मीन किसान का सहमति से लेना पड़ेगा, फिर उसका जो ज़मीन का कीमत है मार्केट प्राइस का 2 गुना या 4 गुना दाम उसको देना पड़ेगा। देखिए ये पूरे राजधानी के जो NCT का इलाका है उसके विकास के लिए, उसके औद्योगिकरण के लिए कई योजनाएं बने हैं जो बनना भी चाहिए, लेकिन आप किसान की छाती पर खड़े होकर विकास की बात करेंगे और लाखों लोग उससे प्रभावित होकर सड़क पर आप उतरवा देंगे उनको, तो ये विकास नहीं है, विनाश है। तो इसलिए आज जो संघर्ष है, जिस कानूनी दायरे में है, एक है जो 2010 के जो उन्होंने वायदे किए थे वो उन्होंने पूरा नहीं किया, दूसरे ये कि 2013 के बाद जो ज़मीन लिया उसको भी उन्होंने 2013 का कानून लागू नहीं किया, जो यहाँ भूमिहीन है उनके लिए भी जो प्लॉट की बात है नहीं दिया, रोज़गार के जो हर परिवार को देने का है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। एक हमारा न्यूनतम साइज का प्लाट 120 वर्ग मीटर का होता था छोटे किसानों के लिए, यदि थोड़ी भी ज़मीन गई है तो उन्हें 120 मीटर का प्लाट मिलता था, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक आवासीय स्कीमों में 17.5% प्लाट कोटा होता था कि 17.5% कुल प्लाटों का हिस्सा प्रभावित किसानों को मिलेगा, वो आरक्षित होता था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जो रोज़गार के बारे में एक पॉलिसी आई थी 2010 में वो भी इन्होंने लागू नहीं की। हमारी ज़मीन का मैटर ये है कि ये लोग तोड़ने के लिए तो चले जाते हैं किसी का, लेकिन पहले उसका सलूशन नहीं निकालते, पहले कि भाई किसान की ज़मीन है तो पहले इसका सलूशन करें, जब कुछ चीज़ बनाएं हम लोग, लेकिन उस चीज़ से इन्हें मैटर नहीं है, अपना जो कुछ करना होता है ये खुद कर लेते हैं तोड़ फोड़ करके, चाहे हम रोते रहे। हमारी ज़मीन थी खुद मेरी रामपुर फतेहपुर में के नानक चंद के नाम से है, और इन्होंने वहाँ जाके सारी तोड़ फोड़ रोड भी निकाल दिया इन लोगों ने, लेकिन हमने मैं खुद रोती रही वहाँ पर खड़ी होकर कि भाई हमारा ऐसा, पहले हमारा तो सलूशन करिए आप लोग, भाई जब चाहे कुछ भी करो, हमारी जितनी आबादी में है जमीन है उसका तो निवारण करो कम से कम। मगर दुख की बात है, एक कानून को मोदी सरकार आके खत्म करने का कोशिश किया और उसके बाद आज बड़े बड़े राज्य, अलग अलग राज्यों में ये कानून को लागू करने लगा बीजेपी सरकार जहां जहां है, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार इसी कानून को जबरदस्ती लागू करने का काम शुरू किया। तो जब किसान का जमीन ले लिया, हमारा कहना है तो कुछ तो बात है, उसको पहले उसको ज़मीन का कीमत, जो कीमत है बाजार का, उसको 2 गुना दाम देना है। हम प्राधिकरण से या सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, भीख तो हमने इन्हें दे रखी है, हमारा अधिकार है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारी ज़मीन है, अपनी ज़मीन का हिस्सा मांग रहे हैं और इनका कहा हुआ मांग रहे हैं।